तो भाई मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। वो वीडियो वाली है जैसे कि उमेश भाई भाई भोपाल के पास एक शहर है, वहाँ रहते हैं। उनकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से भाई, वो सिर्फ 4 से 5 दिन का बच्चा था वो, और किस तरीके से उनको हैंड फिट करा रहे, बच्चे को अपने हाथ से पाल रहे, कबूतर का जोड़ा बच्चे को दाना पानी कुछ नहीं पिला रहा, वो किस तरीके से उनको बच्चे को पाल रहे भाई, वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कोई सी भी नॉलेज आपको हो आप हमको वीडियो दीजिए, हम आपकी वीडियो भाई यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। कि दोस्तों मेरा वादा है आपसे, वो जो भाई जिस तरीके से बच्चे को पाल रहा है उसकी भाई मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ कि आपके कबूतर बच्चे को हैंड फिट किस तरीके से कराना चाहिए, घर में किस तरीके से बनाना चाहिए भाई, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी नीचे, वहाँ जाके वो वीडियो आप देख के उस तरीके से बना लेना और घर में स्टॉक करके रख लेना। जैसे भाई मैंने स्टॉक करके रखा हूँ, ठीक है ना, ये मैंने स्टॉक करके रखा हूँ मेरे से अपने कबूतर बच्चे को हैंड फिट किस तरीके से कराना है। तो आप भी वो वीडियो वहाँ जाके आप देख लेना भाई, और हमारे उमेश भाई की वीडियो देखो, माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो ये बच्चा है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में वो फोटो में, तो क्या जिनके माँ बाप हैं, एक सेट एक खन जे एक जे मतलब 3 खन हैं ब्रीडिंग सेटअप के लिए मैंने बनाया ये, और जे ना इस बच्चे को फीड नहीं करा रहे, और अलग जे अलग है, इसमें 4-5 पट्टे इधर रहते हैं, तो जे ना बिल्कुल फीड कराना बंद कर दिया अब इन्होंने। तो मैं इनको फीड कराता हूँ, ये वीडियो पकड़ना ज़रा बताना, इतने खड़े होके बताओ इसको, इतने बताओ खड़े होके बताओ। तो ये मैंने मेरी भी आ रहा हूँ, तो ये मैंने बेसन और आटे को थोड़ा मिक्स करके बिल्कुल बराबरी मात्रा में लेके इनको हल्का हल्का सेका है कि इस बच्चे के लिए फीड कराने के लिए। और ऐसा ही कब लेता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, इसमें जितना इस बच्चे के लिए लगता है, जैसे एक टाइम में इतना चलता है, इसको थोड़ा डाल देता हूँ, थोड़ा और ले लेता हूँ, इतना ले लेता हूँ, हल्का सा लेता हूँ, और इंजेक्शन में पानी लेता हूँ, इसको फेंक देता हूँ, इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ सही से, पानी लेता हूँ इसमें डालता हूँ, चम्मच वगैरह से इसको कर लेता हूँ, तो थोड़ा बढ़िया मिक्स कर लेता हूँ तो बच्चे को दिक्कत ना आए फीड करने में। इधर देखो बढ़िया बिल्कुल मिक्स कर लेता हूँ बारीक, थोड़ा पानी और डाल लेता हूँ इसमें, आधा ग्रेजन तो चलता है इसको, बस शाम तक बिल्कुल फ्री हो जाता है, ये बच्चा बिल्कुल भूखा है, ये देखो हाथ लगा रहा हूँ ना, ये बच्चा फीड मांग रहा है, जी फीड मांग रहा है ये बच्चा, क्योंकि बिल्कुल भूखा है ये बच्चा। तो मैं भी इंग्लिश में बताऊँ, इसको थोड़ा एक दो बार रिसीविंग कर लेता हूँ, ये सही से मिक्स हो जाएगा, इसको कर लिया मैंने, इसमें एयर वगैरह नहीं रहना चाहिए, नहीं बच्चे को दिक्कत आती है, कर लिया ये निकाल देता हूँ। अब इसको ये चोंच पकड़ना है बिल्कुल, एक सेकेंड हल्का सा रखना है, और हल्के हल्के पेस्ट दबाना है इसको, अब ये बच्चा बिल्कुल टन हो गया, देख सकते हो इसकी ये पोटली बिल्कुल भर चुकी है, बिल्कुल टन हो गया। अब ये शाम तक फीड नहीं मांगेगा, शाम के 5 से 6 बजे के बीच में ये फीड मांगेगा, इसको फिर मैं 5:30 बजे फीड देता हूँ। बस आज की वीडियो में, और मतलब जो भी कबूतरबाज है उनको तो पता ही होगा, जो भी नए हैं अभी, मैं जो मुझे तो कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए कबूतरबाज कहते हुए, करीबन 4 या 5 महीने हुए, पर इतने में भी मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। तो मेरे उस्ताद का चैनल का नाम है कबूतर केयर, और उस्ताद का नाम है मेरे वसीम भाई, तो उनसे ही मैं वीडियो में हर वीडियो में उनसे ही सलाह लेता हूँ, जो भी बच्चे होते हैं कुछ भी दवाई वगैरह मंगवाता हूँ मैं, जैसे कि ये वगैरह ये वगैरह देता हूँ उनको, ये दवाई वगैरह देता हूँ,
जब भी कुछ भी दिक्कत आती है, बीमार वगैरह हो जाता है कबूतर, कुछ भी हो जाता है, कुछ ही होता है, बंद कर दे।